गुड इवनिंग गाइस, आज हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से कर दें, बाय पार्ट्स मेरी वीडियो वन बाय वन डलती रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे चलता रहेगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक डलेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए बस। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। जो उसने यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बताया नहीं, ये वाला, ये वो किसके ऊपर काउंट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर काउंट होता है, प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है, ठीक है। तो मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। सोल्यूशन देखो, प्रॉफिट परसेंटेज उसने कितना होता है, 16 2/3% ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस का। तो परसेंटेज से आप डायरेक्ट हिंट लगाओ, कितना इसका परसेंटेज का रेशियो बनाओगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। तो अगर 6 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब कि 6 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर 1 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपीज। एक्चुअल प्रॉफिट किस में काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपका 1 रुपया प्रॉफिट है कितने के ऊपर, 5 रुपये के ऊपर। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट ऑन 5 रुपीज, एंड वी गॉट 20%। सो 20% इज ओवर एक्चुअल प्रॉफिट विच इज काउंट्स ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंटेज, एक्चुअल लॉस परसेंटेज मतलब का उसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना लॉस हुआ है, ठीक है। ये लॉस किसके ऊपर काउंट करके चल रहे हो, सेलिंग प्राइस। लॉस आपका 25% ऑन सेलिंग प्राइस एसपी, मतलब इट मींस लॉस इक्वल टू, इसका रेशियो कितना आएगा, 1:4। इफ सेलिंग प्राइस इज 4 रुपीज देन लॉस इज 1 रुपीज, इट मींस आवर कॉस्ट प्राइस वाज 5 रुपीज। मतलब 4 रुपये बेचा और 1 रुपये का लॉस भी हो गया उसको, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या चल रहा था उसका, 5 रुपये चल रहा था, ठीक है। और एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट किसके ऊपर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो एक्चुअल लॉस कितना आएगा, 1 रुपये का लॉस हुआ है ना, 5 रुपये के ऊपर, 1/5 × 100 20%। सो इज एक्चुअल लॉस वाज 20%। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब कि अभी हम पता नहीं कि प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा, ठीक है, बट जो भी होगा देख लेंगे। पहले देखो आपको, अगर सपोज कर लो कि मैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना मान लूं, सीपी मान लूं, ठीक है। तो 16 आर्टिकल कितना हो गया, 16 सीपी। ऐसे ही मेरे को सेलिंग प्राइस नहीं पता ना किसी आर्टिकल का, मैं अपनी तरफ से क्या मान लूं, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी। तो 14 आर्टिकल कितना हो गया, 14 × SP, ठीक है। और उसने कहा है ना कि 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, ठीक है। ये 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल है। यहां से आप है ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो एक बार, तो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, अपॉन में जाएगा, 7:7/8 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक बंदे ने किसी चीज को 7 रुपये में खरीदा, ठीक है, इफ ए मैन बाइज थिंग्स इन 7 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 8 रुपीज, तो कितने रुपए प्रॉफिट हो गया उसको, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट। तो यहां से क्लियर हो गया प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में करने के लिए किसके ऊपर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कब, जब उसने 7 रुपये उसको खरीदा था, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 1 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है 7 रुपये, ठीक है, इनटू 100। तो 14 × 2/7% उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलो देखो भाई, आपकी बार क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल व्हाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज।
देखो प्रॉफिट एक बात क्लियर करो, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट और डिस्काउंट होता है एमआर के ऊपर काउंट, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि 12 आर्टिकल का वो कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी मान लिया मैंने और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी मान लिया, 9 आर्टिकल का वो कितना हो गया एसपी, 9 एसपी, और 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12 कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर आएगा, ठीक है। कैंसिल आउट होके ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना चल रहा है, 3 रुपीज चल रहा है, और सेलिंग प्राइस कितना चल रहा है आपका, 4 रुपीज। 3 रुपए की चीज लाकर 4 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना आ गया उसका, 1 आ गया नहीं आ गया। तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो उसको और 3 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस चल रहा है, 4 रुपए उसका सेलिंग प्राइस चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब कह रहे हैं 10 आर्टिकल का डिस्काउंट इक्वल टू 5 आर्टिकल का प्रॉफिट। मेरे को नहीं पता एक आर्टिकल का कितना डिस्काउंट चल रहा है, मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, एक आर्टिकल में डिस्काउंट दे दिया उसने कितना, डी रुपीज। तो 10 आर्टिकल का डिस्काउंट कितना हो गया, 10D। एक आर्टिकल का प्रॉफिट कितना मान लिया मैंने, पी मान लिया, ये मान रखा, ठीक है। तो 5 आर्टिकल का कितना हो गया, 5P, और दोनों क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, बोल के चला इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे रेशियो कितना आएगा, तो अगर आपका डिस्काउंट 1 रुपीज है प्रॉफिट कितना है 2 रुपीज, तो प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना आएगा, 2:1। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है आपका 2, पर यहाँ पर कितना आपका 1, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, ठीक है, दोनों जगह इक्वल करना पड़ेगा। इक्वेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई और ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है, एमआरपी पर काउंट होता है, ठीक है। तो आपका एमआरपी कितने के बराबर होता है, मैंने बताया था सेलिंग प्राइस प्लस में डिस्काउंट, भाई इतने रुपए एमआरपी था, इतने रुपए डिस्काउंट देके इतने रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। तो एमआरपी कितने के बराबर, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आपका 1 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना आपका यहां से 8 रुपीज, तो एमआरपी कितना आएगा 9 रुपीज, और डिस्काउंट किसके ऊपर काउंट होता है, एमआरपी पे, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1/9, और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस पे काउंट, तो ये कितना 2/6 मींस 1/3, ठीक है। और डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो प्रॉफिट का और डिस्काउंट का डिफरेंस कितना आएगा, 1/3 1/9, तो ये आपका आएगा 2/9, ठीक है। परसेंटेज से पूछा आंसर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 एंड 2/9%, ठीक है। ये उसका डिफरेंस चल रहा है प्रॉफिट का और डिस्काउंट का। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन उसी का भाई बना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। फिर बताया उसने क्या, 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, व्हाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो वही है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लिया तो 12 आर्टिकल कितना, 12 CP, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP मान लिया तो 9 कितना हो गया, 9 SP, रेशियो कितना आएगा, 3:4, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 3 रुपये चल रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपये। तो प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका 4:3 एंड 1। अब डिस्काउंट पे आओ, उसने कहा कि 8 आर्टिकल का डिस्काउंट कितना है भाई तेरा, 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर, ठीक है। 1 आर्टिकल का डिस्काउंट में क्या मान लूँ, डी मान लूँ, तो 8D हो गए टोटल डिस्काउंट, और एक आर्टिकल का प्रॉफिट में कितना मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6P हो गया, रेशियो कितना आएगा, 3:4 मीन्स प्रॉफिट आपका 4 रुपये चल रहा है, तो डिस्काउंट कितना चल रहा है आपका, 3 रुपये। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 4 रुपये, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये, इक्वल करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, यही 4 से मल्टीप्लाई, तो यही 4 से मल्टीप्लाई। मेनली तो आपको काम क्या होता था, यहाँ पर SP चेक करना, ठीक है, SP से MRP काउंट कराओगे, डिस्काउंट फिर वो जाएगा, तो SP कितना हो गया, 16 रुपीज। तो देखो 3 रुपये डिस्काउंट देते उसने कितने बेच दिया, 16 रुपये बेच दिया, मतलब उसने कितना वो कर रखा था, मार्क प्राइस कितना डाल रखा था उसके ऊपर, 19 रुपीज। MRP क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है, ठीक है, तो 19 रुपीज, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने 19 रुपये पर, और इधर प्रॉफिट कितना हो गया, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है,
तो एक रुपए का प्रॉफिट आया कितने पे, तीन पे। डिफरेंस पूछ रहा था तो प्रॉफिट माइनस डी कितना हो गया 1/3, 3/90। एलसीएम से कितना आएगा 90 × 3 और ये 90 ये 9 तो 10/19। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1000 का 57 से डिवाइड करो कितना आएगा 17.54%। ठीक है, कितने परसेंट का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है जी, तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी। ठीक है, तो भाई करते रहिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, चलो।